अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो मैं आज आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी जो कि मैंने की है एथनिक से। तो ये बेसिकली होगा एथनिक शॉपिंग हॉल। तो चलें जी, अपना शॉपिंग हॉल शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये मैंने जो है वो ब्लैक फ्राइडे की सेल से ली है, और ये सब चीज़ें जो है वो अराउंड 30,000 जो है वो इनका बिल बना था, वर्थ 30,000 एथनिक शॉपिंग हॉल फ्रॉम ब्लैक फ्राइडे सेल। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। 6 ड्रेसेस जो हैं वो मैंने लिए हैं। कुछ कॉर्ड सेट्स हैं और खद्दर के कॉर्ड सेट्स हैं, कुछ जो है वो सॉलिड्स हैं, कुछ प्लेन सूट्स हैं। तो जैसे भी हैं, जो भी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है आपने, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। तो इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि जो है वो अभी भी एथनिक पर ये सब ड्रेसेस अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। वैसे इतनी ज़्यादा सेल नहीं लगी थी, 25% लगी थी। जो ड्रेस आई थिंक 5,000 का था, वो 3,700 इस तरह से जो है वो मिला था, अराउंड 4,000। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये सब ड्रेसेस हैं, ये प्रेस करवा के मैंने तो हैंग कर लिए हैं। अब आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि कैसा है, और मुझे आप लोगों ने बताना है 1, 2, 3, 4 करके मैं नंबरिंग साथ में लगा दूंगी। तो आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि कौन सा ड्रेस जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, तो फर्स्ट ड्रेस इज दिस, इट लुक्स लाइक दिस। शर्ट जो है वो सबकी लॉन्ग है, ठीक है। ये जो है वो इसकी शर्ट है, बटन्स जो है वो इसके ऊपर इस तरह से लगे हुए हैं, ये देखें। अब चाहें तो आप खुद जो है वो फैब्रिक लेप के भी ऐसे स्टिच करवा सकते हैं। बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन है, प्लेन सूट है बिल्कुल, लॉन्ग शर्ट है, साथ में जो है वो पजामा है। पजामाज मैंने अभी खुद भी नहीं देखे, आपको भी दिखाती हूँ। फर्स्ट ड्रेस इज दिस, इसका जो है पजामा ये है, प्लेन कह लें कि थोड़ी सी जो है वो लूज करके वो है, कैप्री, लूज कैप्री कह सकते हैं आप इसे। तो ये जो है ये फर्स्ट ड्रेस है, साथ साथ में मैं साइड पे करती जाती हूँ। एंड सेकेंड ड्रेस इज दिस, ये जो है ये प्लेन शर्ट है, ये देखिए इसका बॉर्डर जो है वो ये है, फ्रंट ये है, बैक ये है, ये सिंगल शर्ट है एम्ब्रॉयडर्ड, और इसके जो स्लीव्स हैं वो इस तरह से स्लीव्स पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। फ्रंट जो है वो दो जो है वो फैब्रिक के बटन्स लगे हुए हैं, और जो शर्ट की फ्रंट है ना उस पर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बहुत ऊंची है भाई, ये देखिए ये जो है वो फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अब पता नहीं, मैंने एक ड्रेस भी जो है वो ट्राई करके नहीं देखा, ये मेरी गंदी आदत है या अच्छी आदत है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ शॉपिंग पे। तो वो ब्लॉग भी आपने देखा होगा, उसमें भी थोड़ी बातचीत करेंगे, आपको बताऊँगी कि कैसे हुई थी शॉपिंग। ये जो है ये सेकेंड शर्ट है, ये ब्लैक जो है वो पजामा के साथ आप वेयर कर सकते हैं। एंड थर्ड ड्रेस इज दिस, ये जो है ये भी प्लेन है, टू पीस है, और इसके जो स्लीव्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, और इसके फ्रंट पे जो है वो ये कुछ चुन चुन लगी हुई है, और ये जो है ये एक बटन है, और ये यहाँ पे भी एक बटन लगा हुआ है, और इसकी बैक भी जो है वो बिल्कुल प्लेन है। ये देखिए इसके शर्ट की ना स्टिचिंग बड़ी अच्छी हुई है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी थी, मेरा बहुत थक गया। ये जो है ये ड्रेस है, इसका पजामा भी जो है, इसका पजामा थोड़ा सा बेल बॉटम है, ये देखें, और इनकी स्टिचेस जो है, स्टिचेस कह रही हूँ, स्टिचिंग जो है वो बड़ी अच्छी होती है। ये बेल्ट वाले पजामा होते हैं, साइड पे हुक है, या ये हुक जो है ना ये बहुत तंग करती है, साथ में जिप भी है। तो ये जो है ये पजामा है, ये सब ड्रेसेस में मेरा जो है वो मीडियम साइज है, वैसे तो मुझे स्मॉल भी आ जाता है इनमें, पर ये है कि इनमें स्मॉल जो मुझे थोड़े लूज लूज कपड़े पसंद है, इसलिए जो है वो मैं स्मॉल नहीं लेती, मैं मीडियम लेती हूँ। जब ये पहनूंगी ना तब भी आपको दिखाऊंगी। तो अच्छा जी, तो थर्ड ड्रेस इज दिस, दिस इज माय फेवरेट वन। ये जो है पिंक कलर का ड्रेस है, ये लॉन्ग शर्ट है इसकी, और बैक बिल्कुल प्लेन है, ये भी सेम ड्रेस है, और ये जो है ये फ्रंट पे इसके ये कुछ एम्ब्रॉयडरी टाइप हुई हुई है, और गला जो है वो कुछ इस तरह से है, स्लीव्स जो हैं वो ये हैं, और ये बैक है। इसका भी पजामा निकाल के आपको दिखाती हूँ, ये इसका पजामा बहुत प्यारा है, इसका पजामा जो है वो बेल बॉटम में है, सेम सबकी सेम जो है वो स्टिचिंग हुई हुई है, ये देखें, लवली, दिस इज माय फेवरेट ड्रेस।
क्योंकि मुझे ये कलर बहुत पसंद है, जिशान को भी ये कलर बहुत पसंद है, तो मैं ये कलर अपने बच्चों के मैं बहुत ज़्यादा ये कलर लेती हूँ। आज भी मुझे एक ड्रेस जो है वो जजा का रिसीव हुआ है, वो भी सेम यही कलर में है। तो अच्छा जी, तो आई थिंक ये फिफ्थ है, हाँ फिफ्थ ड्रेस इज दिस। ये जो है वो बिल्कुल प्लेन सूट है, ये फ्रंट से जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, बैक थोड़ी लॉन्ग है, और इसका नेक जो है वो बिल्कुल प्लेन है, ये देखें, और बैक भी बिल्कुल प्लेन है। इसके स्लीव्स जो हैं थोड़ी से बेल बॉटम में है, और इसका जो प्लाजो है वो देखते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ना, बस जो मुझे ड्रेस अच्छा लग गया वो उठा लिया, मैं ज़्यादा जो है वो क्या बोलते हैं उसे, थोड़ी बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं जाती ड्रेस लेते हुए। ये देखें, इसका ये ट्राउज़र है, इसकी भी स्टिचिंग जो है वो बड़ी अच्छी। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये पैंट्स में बड़ी अच्छी होती है, ये देखें, अगर आपको इसको लूज या फिट करना हो, या ऊपर से जो है वो आपको इसको पहनना हो ट्राउज़र की फिटिंग ठीक करने के लिए, तो ये जो है वो बड़ा अच्छा रहता है। मुझे जो है वो सॉलिड ड्रेसेस जो हैं वो बहुत पसंद है, इसलिए जो है मैं एथनिक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एथनिक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड्स बनाता है, और दूसरा बीचरी। आप देखेंगे कि मैं बीचरी के और एथनिक के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा लेती हूँ, खाड़ी को तो मैंने जो है वो डिवोर्स ही दे दी थी एक तरह से, पर उनके जो है वो कभी कभी जो है वो अच्छे ड्रेसेस आ भी जाते हैं, तो फिर मैं शॉपिंग कर भी लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो है ये फिफ्थ सिक्स ड्रेस है, ये प्लेन जो है वो न्यूट कलर में है, इसको फोन कलर भी बोलते हैं। इसके स्लीव्स जो हैं वो इस तरह से हैं, ये देखें, ये एक बटन लगा हुआ है और साथ में हुक है। इसका फ्रंट जो है वो यूं है, और एक लाइन जो है वो स्टिचिंग की आ रही है नीचे तक, ये देखें। इसका जो है वो फ्रंट बैक बिल्कुल प्लेन है, ये देखें, ये जो है कुछ इस तरह से है, ये देखिए। इसका भी मैं आपको पजामा दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं स्पीड में वीडियो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जजा जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, तो मुझे उसको उठाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से वीडियो बना रही हूँ। सांस चढ़ गया मुझे, मैंने पानी भी नहीं पिया अभी तक। और इसका जो है, इसका थोड़ा सा जो है वो लूज कैपरी है, ये भी पजामा बिल्कुल सेम है। अच्छा, जो है वो एथनिक के ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी लूज लूज होते हैं जैसे आपको नज़र आते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छा है। इनके फैब्रिक में जो है ये कंप्रोमाइज़ करते हैं, अक्सर ऐसे होता है कि ये इनके ड्रेसेस जो है वो छिज जाते हैं, पर इस दफ़ा जो इन्होंने फैब्रिक जो है वो अपना सर्दियों का खद्दर या फिर डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स हैं कपड़ों के, तो मटीरियल जो है इस दफ़ा इन्होंने बहुत अच्छा लाया है, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया। प्राइसेस इनकी जो है वो बाकी ब्रांड्स के नस्बत अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सेल में थी तो कुछ जो है वो मुझे थोड़ी सी बचत हो गई। 30,000 में ये 6 ड्रेसेस मैंने आए थे, एक कुर्ता था और 5 जो है वो 2 पीस थे, तो ये जो है 30,000 की मेरी शॉपिंग थी। बाकी भी मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये जो है सिर्फ एथनिक शॉपिंग हॉल था, इसलिए एथनिक की शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।